और फिर क्या बताओ, फिर क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो भाई मैं आपको बताऊँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आपकी नहीं है, आपकी मैं आपको बताऊँ आपकी 90% क्या हो जाएगी कवर अप एमएससी में आपकी, भाई क्या हो जाएगी 90% स्पेक्ट्रा आपका कवर अप हो जाएगा एमएससी का भी, समझे बात। हालांकि हम पढ़ रहे हैं किसको, इसको भी किसके लिए, नेट जेआरएफ और गेट के लिए, कंपटीशन के लिए, लेकिन आपकी जो भाई ये जो एमएससी का जो स्पेक्ट्रा हो भी आपका इसमें सारा कवर अप हो जाएगा। ओके ठीक है, तो आप ये देखो भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो क्या है, टोटल आपके 12 चैप्टर्स, 6 हैं वॉल्यूम 1 में और 6 हैं आपके वॉल्यूम 2 के अंदर। तो बताओ वॉल्यूम 1 में क्या है? अच्छा बताओ स्पेक्ट्रा होता क्या है पहले बताओ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए भाई। अरे थोड़ा आपको स्ट्रक्चर मालूम पड़ जाए, मतलब कैसे हमको पढ़ना है इसको। ठीक है, आप ये बताएं कि स्पेक्ट्रा होता क्या है? इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, इंटरेक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी मैटर की स्टेट्स की रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा बोलते होंगे भाई। तो यहाँ पर कौन कौन होता है, रेडिएशन और मैटर होता है ना। तो अब देखो भाई पहला चैप्टर ही क्या हमारा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैटर, यानी पहले चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, मैटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। दूसरे में हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, दोनों की बात होगी भाई। और तीसरे से इन दोनों का इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इंटरेक्शन ऑफ रोटेशनल स्टेट्स ऑफ मैटर विद रेडिएशन, इजंट इट। फिर बताओ क्या है भाई, फिर क्या है, वाइब्रेशनल और आईआर, इंटरेक्शन ऑफ वाइब्रेशनल स्टेट्स ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर क्या है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर क्या भाई, इलेक्ट्रॉनिक और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप। कुछ बात आपको पहले पढ़ रही है, वेरी गुड। ठीक, फिर देखो भाई आप क्या है, फिर वॉल्यूम टू बताओ क्या, वॉल्यूम टू में क्या है आपका, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस भी है आपका, NQR भी है, न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरा क्या आपका, ESR या EPR। चौथा आपका क्या है, मास ऑर्गेनिक वाले फाइनल, पता होगा ना आपको भाई, अरे बोलो भाई। और पांचवा क्या है, मोस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी, अरे भाई। चौथा क्या है, मास। पांचवा क्या आपका, मोस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी। और छठा क्या आपका, स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपको पता है भाई, जो ऑर्गेनिक में से फाइनल वाले होते हैं ना, अरे उनको भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रा दिया होता है और उनसे उनको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मालूम करनी होती है, पता होगा ना आपको इस चीज़ का, NMR से, मास से, इजंट इट। MSc फाइनल में आप जाओगे जब ऑर्गेनिक वाले स्पेशलाइजेशन में, तो वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल भी होता बकाया जाइए, समझे बात। ये जो लास्ट चैप्टर नहीं है आपका ये, अरे यहाँ पर है नहीं, बात आपको पहले पड़ गई ना, ठीक है।